कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स को करते हैं। ये जो एग्जाम्पल है इसमें दो स्फेयर्स दिए गए हैं। ये जो स्फेयर बी है इसका रेडियस दिया गया है 5 मीटर, ये स्फेयर ए है इसका रेडियस हमें नहीं पता है, लेकिन ये बताया गया कि जो स्फेयर है 9 मीटर पर सेकेंड से इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ट्रेवल कर रहा है। इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन है 60 डिग्री और इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। ये डिस्टेंस भी हमें बताया गया है। इसके सेंटर से इस प्लेन के बीच का जो सेपरेशन है ये दिया गया है 17 मीटर्स और ये जो स्फीयर बी है इसके सेंटर से इस प्लेन के बीच का जो सेपरेशन है ये दिया गया है 19 मीटर्स। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ए और बी को मिला देते हैं। ठीक है, ये डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ फिर से। जैसे ये है ए का सेंटर और सपोज ये है बी का सेंटर, है ना, और ये एक ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, ये जो प्लेन है इसके पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ किया, इस प्लेन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ किया, क्योंकि ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, तो ये वाला भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, यानी ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर ए का रेडियस आर मान लिया जाए, बी का रेडियस है 5, तो ये डिस्टेंस जो होगा आर प्लस 5 होना चाहिए, ये हो जाएगा आर प्लस 5। ठीक, अब देख सकते हैं कि ये जो रेडियस है ये 5 मीटर दिया गया है, ये टोटल बताया गया 17 मीटर, है ना, तो 17 मीटर में से ये 5 मीटर अगर मैं माइनस कर दूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा, है ना, तो 17 माइनस 5 यानी कि ये 12 मीटर आएगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, उसी तरह से अगर यहां पर देखें, ये जो सेंटर है यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये वाला लाइन ये रहा, ठीक है, और ये वाला जो लाइन है वो यहां पर है, तो हमने ये वाला डिस्टेंस जो है ये फाइंड किया यहां से यहां तक का, ये डिस्टेंस कर लें या ये डिस्टेंस कर लें बराबर आएगा 17 में से, ये 17 था इसमें से ये 5 माइनस कर लिया तो ये डिस्टेंस आ गया 12। अब ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ये टोटल 19 दिया गया है, 19 में से ये जो डिस्टेंस है वो इसके स्फेयर के रेडियस के इक्वल होगा, है ना, तो इस पूरे 19 में से ये आर माइनस करेंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आएगा 19 माइनस आर, है ना। अब देख सकते हैं कि चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, ये आना चाहिए 12² + 19 - r² = r + 5² ठीक है, यहां से आप सोल्व करेंगे तो r का वैल्यू आएगा 10 मीटर। ठीक, अब r जो है ये 10 मीटर आ गया, तो ये जो ट्रायंगल है वो कैसा बनेगा, आप देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल है कुछ ऐसा बनेगा, ये r प्लस 5 यानी 10 + 5 ये हो जाएगा 15 मीटर, ये 12 मीटर है और ये 19 - 10 यानी कि 9 मीटर हो गया, तो इनका जो रेशियो है ये आएगा 3, 4, 5, है ना, ये 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3, 4, 5 वाला ट्रायंगल बन गया। 3 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री होता है और 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री होता है, तो एंगल तो हमें पता चल गया, ये वाला एंगल है 53 डिग्री और ये वाला एंगल है 37 डिग्री। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर दोनों की वेलोसिटी को रिलेट करना है तो हमें यहां पर वेज कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं कि ये जो दो स्फीयर है इनका कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, है ना, इनका कॉन्टैक्ट सरफेस कुछ ऐसे है और ये जो है ये वाली लाइन जो ए बी है ये ए बी लाइन उस पर परपेंडिकुलर होगा, ये है ना, ध्यान रखना है कि ए बी लाइन जो एक्चुअली में रेडियस के लॉन्ग है और रेडियस के परपेंडिकुलर इनका सरफेस होता है, तो ये हो गया कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये जो ए बी लाइन है ए बी लाइन से 37 डिग्री नीचे की तरफ ये जा रहा था 9 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी दी हुई थी, तो यहां से 37 डिग्री के एंगल पर 9 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा था। ठीक, अब ये वाला जो स्फीयर है
अगर ये इधर आएगा तो ये सर्टेनली इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल इधर जाएगा, है ना। इधर जाने का मतलब क्या हुआ, इधर देख सकते हैं कि ये इस लाइन के पैरेलल यानी ऐसे कहीं इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये एंगल 37 है तो ये एंगल 53 होना चाहिए, क्योंकि ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है, है ना। ये वाला लाइन इसके पैरेलल है और ये वाला लाइन इसके पैरेलल, तो 90 डिग्री एंगल बना, ये 37 तो ये 53, तो ये जो ए बी लाइन है इससे 53 डिग्री ऊपर की तरफ इधर की तरफ ये वाला स्फीयर जा रहा होगा ऐसे, है ना। तो ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से 53 डिग्री के एंगल पर ये जो स्फीयर बी है ये जा रहा होगा, इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वेज कॉन्स्टेंट में प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल होती है ना। इस डायरेक्शन में जो कि परपेंडिकुलर है, इन दोनों का कॉम्पोनेंट इक्वल आना चाहिए। इसका कॉम्पोनेंट आएगा 9 cos 37 और इस वी का कॉम्पोनेंट आएगा इधर v cos 53, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना। इसको सोल्व करते हैं, v cos 53 इज इक्वल टू 9 cos 37। cos 53 जो है ये आ जाएगा 3/5 और cos 37 आएगा 4/5, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल, ये 3 से ये 9 कैंसिल कर सकते हैं, तो v का जो वैल्यू आया ये आ गया 12 m/s, है ना। यानी स्फीयर b की जो वेलोसिटी होगी इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ये आएगी 12 m/s।